हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेर खान डीमैट अकाउंट के बारे में। अभी आप इस टाइम पे शेर खान पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हो, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके भी पर रेफरल 400 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे शेयर खान पे कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे इसे रेफर करना है, कैसे आपकी अर्निंग होगी, आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए, मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे और वहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आपको यहां पर अकाउंट ओपन करना है, कैसे रेफर करना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, शेयर खां पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपको शेयर खां पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। आप देख सकते हैं कि शेयर खां पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको अपने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा और सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करके आपको अपने सिटी के नेम यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। सिटी नेम सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको एक कैप्चा शो हो जाएगा, आपको सिंपली इस कैप्चा को यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। देन आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल एंटर करना होगा, जहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड एंटर करना होगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, अकाउंट नंबर को री एंटर करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना होगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद से कुछ इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट है डिजी लॉकर और सेकेंड है मैनुअली। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है जो कि एक्टिव हो, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो इस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट को मैनुअली अपलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस केस में आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से एक पॉपअप शो होगा, आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पर डिजी लॉकर वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर के थ्रू फेच करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, नीचे यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है इसे एंटर करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को जैसा वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना होगा। परमिशन को जैसा आप अलाउ करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना होगा या सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होगी, आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। सेल्फी अपलोड करने के बाद से लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अदर डॉक्यूमेंट का। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, अपना फादर नेम एंटर करना होगा, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ये डिटेल आपको फिल करनी होगी। देन आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। देन आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा, उसके अंदर वेरिफिकेशन कोड होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना होगा। मेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद से यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ईसाइन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एनएसटीएल के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, इस बॉक्स को चेक करना होगा, नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा, आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपका यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा।
और आपका जो एप्लीकेशन है वह सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज भी देखने मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर शेरखा पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जो आपका एप्लीकेशन है वह सबमिट हो चुका है। अभी आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको 24 आवर्स से लेकर 48 आवर तक का वेट करना होगा। इस बीच में जो आपका अकाउंट होगा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा शेरखान। शेरखान जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर शेरखान का डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना होगा, परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। पेज जीरो ब्रोकरेज फॉर 30 डेज़। तो आपको इस एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग के 30 डेज में जीरो ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। और यहाँ पर FNO के अंदर भी ऑफर चल रहा है जो कि यहाँ पर 31 जैन तक है। अगर कोई यहाँ पे FNO में ट्रेड करता है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है तो यहाँ पे 31 जैन तक कोई भी उन्हें ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी बेस्ट टाइम इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, ट्रेडिंग करने का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड रिसीव हुआ है आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे या मेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी एंटर करने के बाद से आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। आपको सिंपली ऑन पे क्लिक करना होगा। ऑन पे क्लिक करने के बाद से आपको फिर से एक ओटीपी वेरीफाई करना होगा और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना होगा, आपका जो अकाउंट है अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट को ऐड करने के बाद से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे शेरखान एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कौन सी मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे इंडियन मार्केट जैसे आज नेगेटिव में है, अमेरिकन मार्केट इस टाइम पॉजिटिव में है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो एनालिटिक्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रिपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है मार्केट वॉच का, ट्रेड एंड कोट का। ट्रेड एंड कोट पर क्लिक करके आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक करके आप रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर पोर्टफोलियोस हो जाएगा, पोर्टफोलियो पर क्लिक करके आप अपनी पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। जो भी अपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो भी अपने शेयर बाय किया होगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे आप इस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, कैसे रेफर करेंगे, कैसे आपकी अर्निंग होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रेफर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को कैसे रेफर करना है, कैसे आप पर रेफरल 400 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको स्पेस को मिनिमाइज करना होगा। देन आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा शेरखान रेफर एंड अर्न। जैसा भी सर्च करेंगे आपको सिंपली करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे एक लिंक आपको देखने मिल जाएगा, अर्न 400 रुपीज़ फॉर एवरी फ्रेंड रेफरल। आपको सिंपली करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे शेरखान के रेफरल वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में आप शेरखान को रेफर करके पर रेफरल 400 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जब भी आप यहाँ पर किसी को रेफर करेंगे तो आपके फ्रेंड को यहाँ पर फर्स्ट एड कंप्लीट करना होगा। और फर्स्ट एड कंप्लीट करने के बाद से जैसे यहाँ पर 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट होगा आपको यहाँ पर 400 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन पर आपको पर रेफरल 400 रुपीज़ मिलने वाला है। तो रेफर करने के लिए इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ से आपको अपने रेफरलिंक को जनरेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेफरलिंक जनरेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, गो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पर जो आपका रेफरलिंक होगा जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। आप देख सकते हैं लिंक जो है जनरेट हो चुका है। आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आपका जो लिंक है इस तरह से शेयर हो जाता है। इस तरह से आप अपने रेफरलिंक को जनरेट करके शेयर कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड आपका रेफरलिंक से अकाउंट ओपन करेंगे और अपना फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट कर लेंगे यानी कि 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट कर देंगे तो आपको यहाँ पर रेफरल 400 रुपीज़ मिल जाएगा।
और जो भी आपकी अर्निंग होगी उसे कैसे चेक करना है, कैसे ट्रैक करना है और अपनी अर्निंग को कैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, इसके ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन पर आपको कैसे ट्रेड करके 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट करना होगा ताकि आपको पर रेफरल 400 रुपीज़ मिल जाए। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद से आपको अपने फ़ोन में शेयरखान एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद से सबसे पहले इस एप्लीकेशन पर अपना फर्स्ट ऐड कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली करना क्या होगा, थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना होगा, ऐड फंड पर क्लिक करना होगा। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद से आपको अमाउंट एंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ अमाउंट एंटर कर दी है। अमाउंट एंटर करने के बाद से आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन देखने मिल जाएगा, UPI का और नेट बैंकिंग का। तो आपको सिंपली UPI सेलेक्ट करना होगा और जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक UPI ID होगा वही आपको UPI ID एंटर करनी है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक किया है तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो UPI ID होगा वही आपको नीचे यहाँ पे एंटर करना है, तभी जाके आपका फंड ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने शेयरखान पे जो बैंक अकाउंट ऐड किया था उसी का मैंने UPI ID यहाँ पे एंटर कर दी है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, ट्रांसफर फंड पे क्लिक कर देना होगा। ट्रांसफर फंड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रिक्वेस्ट वाला पेज देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको इस पेज को मिनिमाइज करके आपको अपने फ़ोन में जो भी पेमेंट अकाउंट एप्लीकेशन आपने ऐड किया होगा उसके अंदर आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने पेमेंट का, जैसे मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड किया था तो पेटीएम पे नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको सिंपली करना क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको यहाँ पर फंड को ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 100 रुपीज़ का फंड ऐड कर लिया है। फंड ऐड करने के बाद से आपको सिंपली बैक आना होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, क्रॉस करके रिमूव करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद से हमारा फंड जो है ऐड हो चुका है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे आपको अपना फर्स्ट ऐड कंप्लीट करना है ताकि आपका यहाँ पे 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट हो जाए। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ट्रेड एंड कोड पे क्लिक कर देना होगा। ट्रेड एंड कोड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एंटर इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे येस बैंक के स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ जिसकी प्राइस यहाँ पर 17.90 रुपये है, तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद से यहाँ पे येस बैंक आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा, बाय पे क्लिक करना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे येस बैंक के स्टॉक को बाय करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे क्वांटिटी एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे 3 शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटी एंटर कर दी है। ऑर्डर टाइप में आप यहाँ पर नॉर्मल बास्केट और यहाँ पर बास्केट TSL सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इन्हें चेंज नहीं करना है। वैलिडिटी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर IOC, MyGDT और GFD देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, GFD रहने देना होगा। अगर आप हमें इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसे IOC सेलेक्ट कर लेना होगा। तो अगर आप हमें इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो इजीली जो आपका ब्रोकरेज है 40 रुपीज़ का जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिलीवरी में ट्रेड लेना चाहता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे GFD सेलेक्ट कर ली है। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन पर अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे आपको यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद से ऑर्डर बुक पर क्लिक करना होगा। ऑर्डर को जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपका ऑर्डर होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा यानी कि प्लेस हो जाएगा, आपको सिंपली करना क्या होगा, अगर आपने डिलीवरी में ट्रेड लिए तो 1 से 2 दिन होल्ड करना होगा, देन आप उसे सेल कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड लिए तो आप उसे सेम डे सेल कर सकते हैं। इस तरह से आपका 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर रेफरल 400 रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था शेयरखान पे डीमैट अकाउंट को ओपन करके रेफर करके अर्निंग करने का और यहाँ पे फंड को ऐड करके अपना फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करने का और 40 रुपीज़ ब्रोकरेज जनरेट करके रेफरल अमाउंट को लेने के लिए एलिजिबल बनने का। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग होगी, जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उसे कैसे विड्रॉ करना होगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम मिलते हैं किसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।